नमस्कार, बीसीएन न्यूज के doctor.com कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर राजकुमार रुकवानी, ये एक्स मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं, साथ ही इनकी 40 साल की सर्विस में इन्होंने बहुत सी ऐसे पेशेंट्स को सुविधाएं दी है जिन्हें जिनके पास पैसों की कमी हो, ऐसे सोशल वर्क भी इन्होंने अपने जो फील्ड में है किया है। तो आज की कोरोना की परिस्थिति को लेकर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। सर, कोरोना की जो स्थिति भयंकर बनी हुई है, क्या बताना चाहोगे? शहर की जिस तरह की स्थिति है उस पर आप क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? शहर की यह भयावह स्थिति जो सेकंड वेव में आई है, फर्स्ट वेव से ज़्यादा स्प्रेडिंग और फास्ट है और काफ़ी खतरनाक नहीं बोलना, बट इट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है नागपुर में। शहर का परिस्थिति में आपने रिकॉर्ड तो डेली देखे कि 6,000-7,000 केसेस डेली आ रहे हैं और ये सेकंड वेव जो आई है इसका स्प्रेड फास्ट है। पहले की वेव में जैसे एक इंसान एक को संक्रमित करता था, तो अभी की स्टडी ऐसी बता रही है कि ये वेव के अंदर में एक इंसान 3-4 लोगों को संक्रमण फैला रहा है। बिल्कुल, ये जो स्थिति बन चुकी है, तो इस टाइम में जैसे पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और वो पॉजिटिव रहते हैं, तो किस तरह पेशेंट को डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट या गाइडेंस देना चाहिए, क्या बताना चाहोगे? पेशेंट को पहले तो RT-PCR टेस्ट करवा के जब आते हैं तो उनको पहला तो ये समझा देना पड़ता है कि आपको लड़ना है, डरना नहीं है। बिल्कुल, और उसमें जैसे 3 क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया माइनर, मॉडरेट और सीवियर सभी डॉक्टर्स डिक्लेयर कर चुके हैं। तो डिपेंड्स अपॉन आपका टेम्परेचर कितना है, बाकी क्या दिक्कत है, आपको खांसी है, गले में खराश है, कॉमन सिम्टम्स के अलावा आपको सांस लेने में कोई दिक्कत है, अगर ऐसा कुछ लगा तो डॉक्टर लोग उसका CT स्कैन 3-4 दिन के बाद यूजुअली पॉजिटिव आता है, पहले दिन तो नहीं आता है। पर अभी की वेव में ये देखा गया है कि कई बार RT-PCR नेगेटिव आने के बावजूद भी CT स्कैन में कोरोना मिलता है। हर किसी को CT स्कैन के लिए सजेशन नहीं देते, डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी कितनी है, कैसा उसका प्रोग्रेस है। इनिशियल माइनर केसेस को प्रोटोकॉल जो है एंटीवायरल अलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक्स देके, मल्टीविटामिन्स देके, उनको सजेशन देके उनको कंसोल करना पड़ता है कि आप मेन इज आइसोलेशन, आप होम क्वारंटाइन होके अपने आप को आइसोलेट करो। तो किस तरह गाइडेंस या ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दी जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव बोलने के बाद लोग जो है पैनिक हो रहे हैं। हम मतलब देख रहे हैं कि जिस तरह से मौतें कोरोना से हो रही है, आए दिन 60-70 मौतें जो है हर दिन हो रही है, तो लोग पैनिक होते हैं जैसे कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो किस तरह ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा दी जानी चाहिए? मुझे जो मेरा आइडिया था जिसके लिए मैंने अप्रोच किया था कि अगर कॉर्पोरेशन में या कहीं रिपोर्ट RT-PCR पॉजिटिव आ रही है, तो अलॉन्ग विद द रिपोर्ट इफ वन प्रिस्क्रिप्शन इज गिवन बाय कॉर्पोरेशन और द अथॉरिटी विच इज प्रोवाइडिंग RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट, एक प्रिस्क्रिप्शन अटैच करके दे दें जो 5-7 दिन की दवाई है, तो ये पेशेंट को भटक भय में स्थिति में चले जाते हैं, दे आर अफ्रेड, और काफ़ी घूमते रहते हैं कि कहाँ जाएँ और किस डॉक्टर से सजेशन लें। तो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर, विच इज माई सजेशन टू दी अथॉरिटीज़ कि एक रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन साथ में अटैच कर दिया जाए, तो आवर लेबर विल बी रिड्यूस्ड एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु आर गेटिंग पॉजिटिव दे विल बी पर्टिकुलरली होम आइसोलेटेड पेशेंट शुड बी प्रोवाइडेड अ प्रिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद दी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट। बिल्कुल, ये जो सजेशन है आपका ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो है दर बदर भटकते हमें दिख रहे हैं कि कहाँ जाए, कहाँ से दवाई ले, क्योंकि प्रॉपर उन्हें पता नहीं होता है, एक तो वो पैनिक हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा है। आप मतलब आप भी अभी भी प्रैक्टिस आपकी शुरू है, हमने देखा है कि नया स्ट्रेन जो है पहले स्ट्रेन से ज़्यादा भयंकर बोला जा रहा है, तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स अलग सिम्टम्स जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कौन से सिम्टम्स जो है अलग अभी नए स्ट्रेन में हमें दिख रहे हैं? इसका स्प्रेड बहुत फास्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले यूजुअली
1:1 रेशो में स्प्रेड हो रहा था, नाउ इट इज 1:3 या 4 स्प्रेड. उसका मेन कारण ये भी है कि लोगों ने अपना डर निकाल दिया है, विच इज द प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर, मास, सोशल डिस्टेंस एंड ऑल. सेकेंडली, इसके सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट मिल रहे हैं. एक आध दो जगह तो कहीं RT-PCR नेगेटिव आने के बावजूद भी CT स्कैन पॉजिटिव आ रहा है. अदर सिम्टम्स लाइक वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन, डिसेंट्री, लूज मोशन भी ऑब्जर्व किए गए हैं. दिस इज स्प्रेडिंग इन यंगर पॉपुलेशन लिटिल मोर फास्टर बिकॉज ऑफ द रीजंस. एक तो दिस वायरस इज म्यूटेटेड एंड वेरियंट ऑफ द वायरस विच इज affecting younger population and children more. Secondly, this young population is more in public context now rather than they are taking less precautions. अच्छा, तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो नया मतलब नया स्ट्रेन आ रहा है आया है, पहले स्ट्रेन में बच्चे जो है छोटे बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते थे या होते ही रहते, लेकिन नए स्ट्रेन में हमने पाया है कि छोटे बच्चों को भी ये जो है कोरोना हो रहा है. तो क्या बताना चाहोगे किस तरह की प्रिकॉशंस छोटे बच्चों के लिए लेना चाहिए ताकि कोरोना ना हो? प्रिकॉशंस के लिए तो अभी भी वही मेजर्स है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड डिस्टेंस पे रखना, बच्चों को अननेसेसरी मार्केट में लेके नहीं जाना, पब्लिक कांटेक्ट में कम आए. अगर सिम्टम्स दिखते हैं या सिम्टम्स नहीं होने के बावजूद भी पॉजिटिव आ रहे हैं तो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए या डॉक्टर्स द्वारा क्या सलाह जो है पेशेंट लोगों को देनी चाहिए, क्या बताना? अंटिल RT-PCR या रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती तो दिस इज डिफिकल्ट टू जज कि बच्चे को कोरोना है या नहीं. गाइडलाइन विल बी द सेम मोर ऑर लेस, बट इट इज इन यंगर पॉपुलेशन एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा रहने की वजह से ट्रेसिंग कम हो रही. ये भी सच बात है कि ट्रेसिंग ना होने से भी जो है स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है. लोगों को क्या बताना चाहोगे कि कोरोना रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो पैनिक लोग हो जाते हैं, तो आप क्या बताना चाहोगे, आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? यही जो स्लोगन चल रहा है कि आपने लड़ना है, डरना नहीं है. 97-98% ऑलरेडी ठीक हो रहे हैं, तो इतना ज़्यादा पैनिक नहीं लेने का, बट एक्शन लेने का. दे शुड टेक द प्रॉपर मेडिसिन, जल्दी RT-PCR टेस्ट करा लेना, लेट नहीं करना. अर्ली डायग्नोसिस विल हेल्प देम इन आइसोलेशन और स्प्रेड कम हो जाएगा उससे. बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि 30 से 40 उम्र वाले जो युवा वर्ग है उनमें ज़्यादा कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो क्या बताना चाहोगे, मतलब इसके पीछे का कारण क्या है कि क्यों ये संक्रमित हो रहे हैं? जो हमें दिख रहा है अभी कि ये यंग पॉपुलेशन इतना एक साल के अंदर में जितना बाहर नहीं निकल रहे थे, नाउ दे आर इन द सिचुएशन कि दे वांट टू गो आउट एंड डू द एक्टिविटीज. उनको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट है. दे आर मोर इन पब्लिक कॉन्टेक्ट देन इन द फर्स्ट वे विच वॉज सीन. Second is the mutated virus may be affecting them. That is the second reason. तो और एक बात ऐसी हम देख रहे हैं कि जैसे संक्रमित मरीज जो है वो ज़्यादा हाई रिस्क पे जा रहे हैं. जैसे पहले था कि अगर होम आइसोलेशन में रहते थे तो मरीज ठीक होते थे, लेकिन अब ज़रूरत ऐसी पड़ रही है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ रहा है, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ ही रही है और शहर में हमें कहीं भी बेड्स नहीं मिल रहे. तो इस पर आप क्या बताना चाहोगे, मतलब इसका रीज़न क्या है? रीज़न तो नंबर ऑफ पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग. अभी टेस्टिंग उतनी लेवल पे नहीं चल रही. टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फर्स्ट स्टेज बिफोर द ट्रीटमेंट, वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है. और ये ऐसा नहीं है कि पहले से कोई बहुत भयानक डेथ रेट कोई ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है. इट इज़ द नंबर ऑफ पेशेंट्स विच आर इंक्रीज. उसका कारण क्या है कि पहले के इसमें आइसोलेटेड पेशेंट हो रहे थे, अब वो फ्रीली घूम रहे हैं. इवन सिक पेशेंट्स आर मूविंग अराउंड एंड दे आर स्प्रेडिंग कोरोना इन द सोसाइटी. लोगों ने अवेयर ये डर छोड़ दिया है. दैट इज द मेन रीजन कि लोगों ने मास्क पहनना,
सोशल डिस्टेंस रखना, प्राइमरी प्रिकॉशंस जो देना था वो लोगों में निकल गए। पहले डर बहुत था, लोगों का डर निकल गया। मतलब नया स्ट्रेन इतना भयावह होने के बाद भी लोगों का डर निकल चुका है। हाँ, तो ये जो स्प्रेड हो रहा है और जो हाई रिस्क पेशेंट हो रहे हैं, वही कारण है कि आइसोलेशन वाले जो आइसोलेटेड जो पेशेंट है वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इन जनरल पॉपुलेशन प्रिकॉशन लोगों ने छोड़ दिया, एक डर निकल गया वही चीज। बिल्कुल, वैक्सीन आ गया है, वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाई दे रही है वैक्सीन को लेकर। आपकी क्या राय है और आप क्या सजेशन जो है दर्शकों को देना चाहोगे वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन क्या है कि ये जो लोगों में भय बैठा हुआ है कि रिएक्शन हुए हैं कुछ, ये क्या हजारों लाखों में एक दो को होते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो हर वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत रहते हैं, पर उसका जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि दूसरे वैक्सीन जितना ज़्यादा होता जाएगा तो कोरोना को हम कंट्रोल कर पाएंगे। वैक्सीनेशन आज की तारीख में एक बहुत बड़ा हथियार है जो अभी और ज़्यादा लिबरलाइज और फ्री तरीके से सब यंग पॉपुलेशन को भी देना चाहिए, और गवर्नमेंट कर भी रही है ना, होते अनाउंस के बाकी भी कुछ वैक्सीन इम्पोर्ट अलाउ किए हैं। एक नया वैक्सीन अभी स्पुटनिक को भी परमिशन मिली है जो अप्रैल के आखिरी में लगना शुरू हो जाएगा। ये वैक्सीन से डर के कोई फायदा नहीं, ये रिएक्शन बहुत रेयर होते हैं, हजारों लाखों में एक दो को होते हैं, उनसे बिल्कुल डरना नहीं। वैक्सीनेशन इज वेरी इसेंशियल प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। बिल्कुल, वैक्सीन लेने के बाद बहुत लोगों का कहना है कि बुखार आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा भ्रम लोगों में दिखाई दे रहा है। तो क्या आप क्या बताना चाहोगे, वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है ये अच्छी बात है या ये कुछ साइड इफेक्ट का मतलब ये है लक्षण है? नहीं, इसके लिए कोई प्रॉपर ये नहीं है, अपनी इम्यूनिटी और पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई लोगों को बुखार आता है कोई वैक्सीन का, कोई को नहीं आता है, किसी को कम आएगा किसी को ज़्यादा आएगा। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बुखार आया है नहीं आया, वैक्सीन लेना इम्पॉर्टेंट है। आपका प्रॉपर डोजेस में वैक्सीन लीजिए, थोड़े बहुत पेन होगा हाथ में, सर दर्द होगा, एक दो दिन बुखार रहेगा, तो ये चीज़ें कुछ बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है, वैक्सीन लेना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल कि आप डॉक्टर हो, क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को कोरोना की परिस्थिति में किस तरह से हमें जो है किस अवेयरनेस के साथ जीना है और कोरोना के संकट को मतलब जो है हराना है, क्या बताना चाहोगे, एक संदेश क्या देना चाहोगे? जब तक ये कोरोना का संकट वो परिस्थिति में नहीं आता कि इसका फैलाव कम हो जाए, तो उसका प्राइमरी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ही एक ट्रीटमेंट है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, लोगों के संपर्क में कम आइए। जब तक आपको ज़रूरी नहीं तो घर के बाहर एटलीस्ट ये भयानक परिस्थिति में निकलना नहीं, और तब तक वैक्सीनेशन से 2-3-4 महीने में इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि विच आई एक्सपेक्ट आफ्टर 2-3 मंथ्स की ये भयानक स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी, ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगी आफ्टर यूर टेकिंग। बट प्रिकॉशन इज द प्राइमरी मेजर विच यू हैव टू फॉलो स्टिल फॉर 2-3 मंथ्स मोर। धन्यवाद, आपने बहुत मतलब अच्छी बातें जो है कोरोना को लेकर हमारे दर्शकों को बताई और आज हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो BCN न्यूज़ में वक्त हो चला यही रुकने का, देखते रहिए BCN न्यूज़।